हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश की एक ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी द स्केयर क्रो के बारे में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर को लिखा है सत्यजीत रे ने, जो कि एक पॉपुलर ऑथर थे कैलकटा से। तो चैप्टर शुरू करने के पहले स्केयर क्रो होता क्या है वो समझ लेते हैं। स्केयर क्रो मतलब होता है ए मॉडल ऑफ ए पर्सन ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स एंड पुट इन ए फील्ड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स टू फ्राइटन बर्ड्स अवे। यानी कि एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉडल जिसे फील्ड्स में रखा जाता है ताकि जो बर्ड्स या क्रो है वो क्रॉप्स को खराब ना कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में तीन कैरेक्टर्स हैं, मृगांकु शेखर मुखोपाध्याय जो कि कैलकटा के एक पॉपुलर ऑथर है, जिन्हें पूरे चैप्टर में मृगांको बाबू नाम से डिनोट किया गया है। सेकंड कैरेक्टर है मृगांको बाबू का ड्राइवर जिसका नाम है सुधीर। और थर्ड कैरेक्टर है मृगांको बाबू के ओल्ड सर्वेंट जिनका नाम है अभिराम। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है कि मृगांको बाबू की कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और इसलिए उनकी कार ने पानागर नाम की जगह में ही अपना दम तोड़ दिया। हालांकि मृगांको बाबू को इस बात की आशंका थी कि उनकी कार का पेट्रोल गेज ठीक से काम नहीं कर रहा। पेट्रोल गेज यानी कि वो मीटर जो बताती है कि कितना पेट्रोल कार में बचा है। बट उनकी बात पर उनके ड्राइवर सुधीर ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर सुधीर कहता है कि मैं पानागर से 3 मील दूर जाकर पेट्रोल ले आता हूँ। मृगांको बाबू को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर एकदम अकेले उसी सड़क पर बिताना था। दोपहर 3:30 का टाइम था। हालांकि मृगांको बाबू एक अच्छे इंसान थे जो कि सर्वेंट्स पर कभी गुस्सा नहीं किया करते थे, बट अब वो सुधीर से इरिटेटेड थे। वो सुधीर को पैसे देते हैं पेट्रोल खरीदने के लिए और उसे वार्न करते हैं कि दोबारा से ऐसी मिस्टेक ना हो। सुधीर पैसे लेता है और वो मृगांको बाबू को भरोसा दिलाता है कि हम 8 बजने के पहले ही कोलकाता पहुंच जाएंगे। मृगांको शेखर मुखोपाध्याय जो कि एक फेमस एंड पॉपुलर राइटर थे, उन्हें दुर्गापुर के एक क्लब ने इन्वाइट किया था एक कल्चरल फंक्शन के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए। ट्रेन में रिजर्वेशन ना मिलने के कारण उन्हें कार में ही जाना पड़ा। वो अपने कार से फिर अपने घर रिटर्न कर रहे थे जब उनकी कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो सुपरस्टिशियस नहीं थे, ना ही वो कभी एलमेनक देखकर ट्रैवल करते थे। एलमेनक मतलब ऐसा कैलेंडर जिसमें शुभ मुहूर्त इन सब के बारे में लिखा हो। बट अब वो ये सोचते हैं कि अगर वो एलमेनक देखते तो पक्का एलमेनक उन्हें आज ट्रैवल करने से रोकता। फिर वो कार से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और एक सिगरेट जलाते हैं। वो अपने चारों तरफ देखते हैं, तब उन्हें एम्प्टी बैरन फील्ड्स दिखाई देते हैं जो कि कई मील्स दूर तक फैली थी। बैरन फील्ड्स मतलब बंजर ज़मीन जहां फसल ना उगे। ये जनवरी के एंड का समय था जब सभी क्रॉप्स को फील्ड से निकाल लिया गया था। काफ़ी दूर उन्हें एक स्मॉल हट दिखाई देता है जो कि एक टैमरिंड ट्री के पास था, यानी कि इमली के पेड़ के पास था। और वहाँ पर ना ही कोई घर था और ना ही कोई लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल सुनसान। थोड़ा और देखने पर उन्हें कुछ पाम ट्रीज़ उगे हुए दिखाई देते हैं और उसके पीछे एक घना जंगल दिखाई दे रहा था। ये सब चीज़ें मृगांको बाबू को रोड के ईस्टर्न साइड पर दिखाई देती है। रोड की वेस्टर्न साइड में ठीक रोड से 40 फीट दूर एक पॉन्ड होता है जिसमें ज़्यादा पानी नहीं होता। वहाँ पर कुछ थॉर्नी बुशेज होते हैं पास में और कुछ ट्रीज़ होते हैं थोड़ी और दूर। वहाँ पर 2 हट्स होते हैं जिसे देखकर कोई साइन दिख नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई भी लोग रहते हैं। और फील्ड के बिल्कुल मिडिल में एक स्केयर क्रो रहता है। आसमान में नॉर्थ के तरफ कुछ क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन जहां मृगांको बाबू खड़े थे वहां या फिर उस जगह पर बिल्कुल सनी था। सन की गर्मी महसूस करने के कारण वो फिर से अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं और एक डिटेक्टिव नॉवेल पढ़नी शुरू कर देते हैं।
कुछ व्हीकल्स उनके कार के पास से गुजर भी रहे थे, बट कोई भी नहीं रुक रहा था जो उनसे पूछे कि क्या उन्हें कोई मदद चाहिए। इस पर मृगांको बाबू सोचते हैं कि सभी बंगाली सेल्फिश होते हैं और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। फिर वो आश्चर्य से ये सोचते हैं कि वो भी तो एक बंगाली हैं, क्या वो भी सेम ऐसा ही करते जैसा बाकी लोगों ने किया। धीरे धीरे पूरा आसमान क्लाउडी होने लगता है और कोल्ड ब्रीज बहने लगती है। ठंड लगने के कारण मृगांको बाबू एक पुल ओवर निकाल लेते हैं अपने बैग से और उसे पहन लेते हैं। 5 बजे तक सनसेट हो जाता है और ठंड और ज़्यादा पड़ जाती है और वो ये सोचते हैं कि सुधीर उन्हें एक भयंकर सिचुएशन में ले आया है। वो उस बुक पर फोकस नहीं कर पा रहे थे जिसे वो पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई स्टोरी के बारे में सोचा जाए जो कि भारत मैगजीन ने उनसे लिखने को कही। इसलिए वो कुछ पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करने लगे। कार में बैठे बैठे वो बोर फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लिखना बंद कर दिया और अपने नोटबुक को दूर रख दिया एंड कार से बाहर निकल गए। एक सिगरेट और जलाने के बाद वो कुछ स्टेप्स चलते हैं और रोड के मिडिल में खड़े हो जाते हैं। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे क्योंकि वो अकेले इंसान थे पूरी जगह में। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके अलावा भी और कोई है और वो है स्केयरक्रो। फिर स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में स्केयरक्रो के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। स्केयरक्रो जो कि मिडिल में ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े में खड़ा था जहां पर कुछ विंटर क्रॉप्स भी थे। एक बैम्बू पोल ग्राउंड में बिल्कुल वर्टिकली फिक्स किया हुआ था एंड एक और पोल हॉरिजेंटली जिससे कि स्केयरक्रो का स्ट्रक्चर बना था। हॉरिजेंटल पोल पर एक शर्ट पहनाया हुआ था। हॉरिजेंटल पोल के दोनों एंड्स तक शर्ट ऐसे पहनाया हुआ था जैसे कि वो दोनों उसके आर्म्स हों। शर्ट की स्लीव्स ने आर्म्स को कवर किया हुआ था। एक अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी का घड़े को जिस तरह से वर्टिकल पोल के ऊपर उल्टा डाला हुआ था जैसे कि उसका सर हो। पॉट को ब्लैक कलर से पेंट भी किया हुआ था जिसे बड़ी आंखें भी ड्रॉ की हुई थी वाइट पेंट से। मृगांको बाबू आश्चर्य से सोचते हैं कि ऐसा अजीब से फिगर को देखकर कैसे बर्ड्स धोखा खा सकते हैं और रियल पर्सन समझकर क्रॉप्स को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। वो सोचते हैं कि अगर बर्ड्स के पास डॉग जैसे स्मेल करने की शक्ति होती तो शायद वो भी बुद्धू नहीं बनती। सनलाइट ठीक क्लाउड्स के बीच में से एक क्रैक से या एक गैप से होती हुई उस स्केयरक्रो के ऊपर पड़ रही थी। उस स्केयरक्रो ने एक फटी हुई रेड एंड ब्लैक कलर की प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई थी। मृगांको बाबू को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस शर्ट को उन्होंने पहले भी कहीं देखा था और ये उन्हें किसी की याद दिला रहा था। बट किसकी शर्ट थी वो या किसकी याद आ रही थी उनको, वो ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो श्योर थे कि उन्होंने किसी ना किसी को तो सेम ऐसी शर्ट पहने हुए देखी है एक लंबे समय पहले। 4:20 हो रही थी। मृगांको बाबू अपने कार में फिर से आते हैं और एक कप में चाय लेते हैं अपने फ्लास्क से। उन्हें अच्छा महसूस होता है, सनसेट होने ही वाला था। वो थोड़ी और चाय पीते हैं और कार से फिर बाहर निकल आते हैं। उन्हें पता था सुधीर अभी भी कम से कम 1 घंटे पहले तो नहीं आने वाला है। सन डूबने लगता है और जल्द ही अंधेरा होने वाला था। कुछ अननोन रीज़न के कारण मृगांको बाबू फिर से उस स्केयरक्रो की फिगर पर अपना ध्यान ले जाते हैं और उसे एक टक पूरे ध्यान से देखने लगते हैं। वो आश्चर्य से उसे देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो स्केयरक्रो दिखने में थोड़ा चेंज लग रहा है। उसके आर्म थोड़े झुके हुए दिख रहे हैं। वो ये भी सोचते हैं कि क्या वो स्केयरक्रो थोड़ा कम स्टिफी खड़ा है, यानी कि ज़्यादा रियल मैन की तरह लग रहा है। पोल्स उनको बिल्कुल लेग्स की तरह दिख रहे थे। ब्लैक पॉट भी छोटा दिख रहा था। हैवी स्मोकर न होने के बावजूद भी मृगांको बाबू एक और सिगरेट पीने की ज़रूरत महसूस करते हैं। उनको कुछ अजीब सा और डरावना महसूस हो रहा था इस सुनसान जगह पर और वो अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या इस स्केयरक्रो में भी जान आ सकती है। वो नेगेटिव तरीके से रिप्लाई करते हैं और उनकी
आंखें फिर से स्केयरक्रो को देखने लगती है और अब कोई भी डाउट नहीं था कि वो स्केयरक्रो आगे के तरफ हिल रहा था और वो बस हिल ही नहीं रहा था बल्कि मृगांको बाबू की तरफ बढ़ भी रहा था। वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर मृगांको बाबू की तरफ बढ़ रहा था और एक पॉट के जगह पर उस पर एक इंसान का हेड यानी कि इंसान का सर आ जाता है और उसने वो सेम शर्ट एंड एक शॉर्ट धोती थोड़ी डर्टी सी धोती पहनी हुई थी। स्केयरक्रो अब इंसान के आवाज़ में मृगांको बाबू की ओर देखते हुए कहता है, बाबू। मृगांको बाबू डर के मारे कांपने लगते हैं और उस आवाज को पहचानते हुए सोचते हैं कि ये तो अभिराम की आवाज है जो कि उनके घर का सर्वेंट हुआ करता था। वो एक विलेज में रहता था जो कि ठीक मानकर के पास था और मानकर ठीक पानाघर के पहले आता था। बिल्कुल डरे हुए और थरथरा रहे मृगांको कुछ कदम पीछे के ओर लेते हुए अपने कार पर सहारा लेते हैं। अभिराम उनसे सिर्फ 10 yards दूर खड़ा था। वो मृगांको से पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचान पाए? मृगांको हाँ में रिप्लाई देते हैं। अभिराम बिल्कुल ऑर्डिनरी मैन की तरह दिखाई दे रहा था जिससे कि मृगांको बाबू को थोड़ी हिम्मत मिलती है बात करने के लिए। वो अपने दिमाग में सोचते हुए रिकलेक्ट करते हैं कि वो शर्ट उन्होंने अभिराम के लिए ही लाई थी। अभिराम उनसे कहता है कि मृगांको बाबू ने उसके लिए बहुत कुछ किया है बट उसकी इनोसेंस के बाद भी उसके मालिक ने यानी कि मृगांको बाबू ने उस पर भरोसा नहीं किया। अभिराम ने मृगांको बाबू के घर में 20 years काम किया था। 3 साल पहले की बात है जब मृगांको बाबू की एक गोल्डन वॉच जो कि उनको वेडिंग में गिफ्ट में मिली थी वो खो जाती है। अभिराम के ऊपर शक किया जाता है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मृगांको के फादर एक विच डॉक्टर यानी कि एक तांत्रिक टाइप के आदमी को बुलाते हैं। फिर वो विच डॉक्टर एक विकर ट्रे को घुमाता है और वो अभिराम के तरफ पॉइंट करते हुए रुक जाती है। फैमिली विश्वास कर लेती है कि अभिराम ही गिल्टी है यानी कि वही चोर है। अभिराम के बार बार कहने पर भी कि वो बेकसूर है, उसने चोरी नहीं की है, पर सब उसे ही चोर मानते हैं और उसे जॉब से निकाल देते हैं। इसके बाद वो कहीं पे भी काम नहीं कर सका क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई और काफ़ी सीरियस हो गई। उसके पास पैसे ना होने के कारण ना ही वो अपना ट्रीटमेंट करा सका और ना ही खाना खरीद सका और उसकी डेथ हो जाती है। अभिराम के बेटे ने उस शर्ट को आखिर तक यूज़ किया जब तक फट ना जाए और फिर वो शर्ट सिर्फ एक स्केयरक्रो को पहनाने के लायक ही बची थी। फिर अभिराम मृगांको से मिलना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि उसने मरने के बाद क्या जाना। फिर अभिराम मृगांको को बताता है कि आप अपने वार्डरोब के नीचे देखिएगा जब आप एक बार घर पहुंच जाओ और आप वॉच वहीं पर आपकी जो वॉच है वो वहीं पर होगी। वो वॉच वहीं पर 3 साल से पड़ी हुई है। आपको मिलने पर आपको पता चल जाएगा कि अभिराम थीफ नहीं था। अचानक अंधेरा होने लगा और अभिराम का फिगर हेजी होने लगा और वो कहता है कि इतने सालों बाद उसे शांति मिली जब उसने मृगांको को सच बता दिया है। ये कहते ही अभिराम डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाता है। सुधीर की आवाज़ जो कि ये कह रही थी कि उसने पेट्रोल ले आया है, ये मृगांको को जगा देती है जो कि सो रहे थे स्टोरी के बारे में एक सुइटेबल प्लॉट के बारे में सोचते हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली वो तुरंत ही स्केयरक्रो की तरफ देखते हैं। वो स्केयरक्रो ठीक वहीं पर खड़ा था जहां पर पहली बार उन्होंने उसे खड़ा हुआ देखा। मृगांको बाबू ये समझ गए थे कि उतने देर जो भी उन्होंने देखा वो सपना था बट फिर भी घर पहुंचते ही मृगांको अपने रूम में जाते हैं और वार्डरोब के नीचे सर्च करते हैं और बिना कोई डिफ़िकल्टी वो वॉच उन्हें वहीं पर मिल जाती है और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि आगे से कभी भी कुछ भी उनके घर पर चोरी हुई तो वो कभी भी विच डॉक्टर की हेल्प नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ख़त्म होती है हमारी ब्यूटीफुल सी स्टोरी द स्केयरक्रो।
अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो।